सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाती है और इस अवसर पर राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता का दृढ़ संकल्प लेने के लिए एक शपथ हम लोग लेते हैं। तो आज एक तो हम राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ सभी लेंगे, साथ ही साथ आज एक दूसरी शपथ भी हमें लेनी है और वो शपथ है संगठनों के लिए सत्य निष्ठा की प्रतिज्ञा। जैसे आप सब जानते हैं कि अक्टूबर के हर साल अंतिम जो सप्ताह होता है, इस बार अंतिम सप्ताह अंतिम दिन भी है, 31 अक्टूबर है आज, तो अंतिम सप्ताह जो होता है उसमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह को हम मनाते हैं। इसका आयोजन किया जाता है और इसका संचालन केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है, पूरे देश में मनाया जाता है और ये सभी हितधारकों को सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार की रोकथाम और इसके खिलाफ लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के आशय से मनाया जाता है। तो इस पे इस वर्ष जो इसका विषय है, हर साल विषय होता है, इस वर्ष विषय है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। और इस उपलक्ष्य में भी आज हम एक प्लेट संगठनों की सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा हम लोग इसका लेंगे और लाइट का ध्यान। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पर्सनली भी सिटीजन्स को एक प्लेट लेनी है, प्रतिज्ञा लेनी है। जो पर्सनल प्लेट लेनी है वो CVC की वेबसाइट पे जाके आप cvc.gov.in पे जाएं और वहां पे ई प्लेज लें और जब आप ई प्लेज ले लेंगे तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो सिटीजन वाली प्लेज है वो तो आप ई प्लेज वेबसाइट पे जाके सीवीसी की वेबसाइट पे जाके लें और जो संगठन की प्लेज है वो हम एज अ संगठन, हम एक संगठन है, आज हम आफरी में एकत्रित हैं, एक संगठन के बतौर यहाँ पे एकत्रित हैं, तो हम संगठन की प्लेज सब मिलके लेंगे और सिटीजन वाली जो प्लेज है वो सब लोग सीबीसी की वेबसाइट पे ई प्लेज के फॉर्म में आप लोग ले लीजिए, अपना जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो पहले हम जो राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ है वो लेंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ साथ शपथ को दोहराएं। आपको सभी को ऐसे कागज दे दिए गए हैं, आप उस पे से भी पढ़ें, देख के मैं बोलूंगा मेरे बाद रिपीट करें और बाद में इस जो आपको शपथ का पन्ना दिया है इस पे साइन और डेट डाल के आप डायरेक्टर ऑफिस में इसको जमा करा दें। राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। हम इस प्लेज को अंग्रेजी में दोहराएंगे। आई सॉलेमनली प्लेज दैट आई डेडिकेट माइसेल्फ टू प्रिजर्व द यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge
in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabh Bhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. धन्यवाद. हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है. हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्रों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है. इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं है तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं. हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के साथ अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा. इसी उपलक्ष्य में अभी हम एक शपथ लेंगे, जो कि हम एक संगठन होने के नाते एक सभी मिलकर एक प्रतिज्ञा लेंगे और ये सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा लेंगे. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस वीक में हम क्या क्या और कार्यक्रम आयोजित करेंगे और इस वीक में और क्या क्या लोग कैसे बटर प्रेस में हिस्सा ले सकते हैं. तो अतः मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, आप सभी एक बारी खड़े हों और अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नीति परक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे. हम ना तो रिश्वत देंगे ना ही रिश्वत लेंगे. हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं. हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे. हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति संहिता अपनाएंगे. हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए उनके कार्यों से संबद्ध नियमों, विनिमयों आदि के बारे में हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे. हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे. अब हम इंग्लिश जो इंटीग्रिटी फ्लैश फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में है, अंग्रेजी भाषा में भी इसका हम लोग एक फ्लैश लेते हैं. वी देयरफॉर फ्लैश दैट वी शैल प्रमोट एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड फॉस्टर अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. वी शैल नॉट ऑफर और एक्सेप्ट ब्राइब्स. वी कमिट टू गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस. वी शैल एडहियर टू रेलिवेंट लॉज, रूल्स एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. वी शैल अडॉप्ट
A code of ethics for all employees. We shall sensitize our employees of laws, regulations, etc. relevant to their work for honest discharge of their duties. We shall provide grievance redressal and whistleblower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities. We shall protect rights and interests of stakeholders and society at large. Thank you very much.